हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस की तरफ से कुछ इस तरीके का मेल आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आया होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि यूअर वन ऑफ यूअर पेमेंट्स अकाउंट वाज कैंसल्ड। और इस तरीके का मेल आने के बाद काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर, हमारा जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो कैंसिल हो गया है और हमने कुछ किया भी नहीं है, मतलब हमने खुद कैंसिल भी नहीं किया फिर भी कैंसिल हो गया है। और कुछ लोगों का कमेंट्स आया है कि सर, हमने कंटिन्यू इस पर एक्टिव भी रहे हैं, गूगल एडसेंस पर इनएक्टिव भी नहीं हुए, फिर भी हमारा अकाउंट क्लोज हो गया है, कैंसिल हो गया है, ये मेल हमें आया है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर, हमने अभी पेमेंट निकाली है, इससे कुछ दिन पहले ही पेमेंट निकाली है गूगल एडसेंस से, उसके बाद हमारे पास इस तरीके का मेल आया है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपकी ये सारे प्रॉब्लम्स दूर करने वाला हूँ, ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ और आपको कंप्लीट इस ईमेल के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन बड़ी है, इसलिए मैं आपको इस पे सिखा रहा हूँ, मोबाइल पे नहीं सिखा रहा। पर आपको ये मेल कुछ इस तरीके का आया होगा, गूगल एडसेंस लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ यूर पेमेंट्स अकाउंट वॉज कैंसल्ड। ये आपको यहाँ पे ऊपर टॉप में सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि आपका जो पेमेंट अकाउंट है वन ऑफ यूर वो वॉज कैंसल्ड हो गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है ये पेमेंट्स अकाउंट वॉज कैंसल्ड। इस तरीके की मेल आपको आई है और आप काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है यूर पेमेंट्स अकाउंट एडसेंस PUB आगे नंबर फॉर गूगल एडसेंस वॉज रिसेंटली कैंसल्ड। और नीचे लिखा है इफ योर बैलेंस इज ग्रेटर देन $10, मतलब अगर आपका बैलेंस $10 से ज्यादा है तो यू विल रिसीव योर फाइनल पेमेंट फ्रॉम द कैंसल पेमेंट्स अकाउंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट साइकिल, मतलब नेक्स्ट साइकिल में आपको आपकी पेमेंट जो है वो कैंसल्ड अकाउंट से भी मिल जाएगी, जो कैंसल हो गया है। अगर आपके $10 से ज्यादा की पेमेंट उसमें पड़ी हुई थी तो वो आपको मिल जाएगी, लेकिन एनी पेमेंट्स लेस देन $10 won't be processed, मतलब अगर $10 से कम है तो वो आपको नहीं मिलेगी, वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, वो फंस जाएगी आपकी, वो आपको नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे लिखा हुआ है एनी अदर एक्टिव पेमेंट्स अकाउंट एसोसिएट विद गूगल एडसेंस विल नॉट बी अफेक्टेड, मतलब अगर आपका कोई और पेमेंट अकाउंट उससे एसोसिएट है आपके गूगल एडसेंस से तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो यहाँ पे क्लोज हुआ है, वो कौन सा क्लोज हुआ है वो मैं आपको एडसेंस के अंदर ले जाके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल एडसेंस मैंने ओपन किया हुआ है और लेफ्ट साइड में यहाँ पे एडसेंस फॉर यूट्यूब ये आपका होम पेज आता है, इस पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे पेमेंट्स इन्फो के अंदर क्लिक किया हुआ है, आपको भी इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट्स अकाउंट यूट्यूब इंडिया, इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब है, ऊपर नीचे एडसेंस है, यूट्यूब जहाँ पे लिखा है उसके नीचे इंडिया यूएस डॉलर ये ओके है, मतलब ये हमारा ओके है, एडसेंस जो नीचे लिखा हुआ है इंडिया यूएस डॉलर ये क्लोज हो गया है, मतलब ये एडसेंस वाला अकाउंट जो है वो क्लोज हुआ है। ये जो क्लोज हुआ है अकाउंट, ये वो अकाउंट है, जैसे मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट नहीं बना रखी तो उससे रिलेटेड आपका ये जो एडसेंस है वो बना हुआ है, वो क्लोज हो गया है, कि आपने कोई वेबसाइट नहीं है, कोई ब्लॉग नहीं है तो आपका यहाँ पे इसलिए ये क्लोज हो गया है, इसलिए आपके दोनों में से एक अकाउंट क्लोज हो गया है। मगर अगर आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल है आपका, तो आपका ये यूट्यूब वाला अकाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके है, तो ये आपका एज इट इज है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, जैसे आपका अकाउंट चल रहा था वो वैसे ही चल रहा है कंटिन्यू, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने दो अकाउंट्स बना रखे हैं और जिसकी जैसे वेबसाइट नहीं है, जैसे मेरी भी वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे क्लोज लिखा आ रहा है, तो मेरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी कोई वेबसाइट ही नहीं है तो इसलिए ये क्लोज हो गया है यहाँ पे। तो आपको ये बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी यूट्यूब का चैनल है वो ओके है बिल्कुल, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो ईमेल आया था उसका क्या मतलब था और आपका कौन सा अकाउंट क्लोज हुआ है, वो सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।